नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचा हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल ये थमता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पहले विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा किया और लिखत पढ़त में अब ये दे दिया है कि हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं कुछ ऐसे दल भी हैं जो कि गैर बीजेपी और गैर एनडीए के घटक हैं, लेकिन उन्होंने इसमें आने की सहमति दे दी है। लेकिन 28 मई को होने वाले इस उद्घाटन को लेकर अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल कर दी और याचिका में मांग की है कि इसका उद्घाटन संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए। आपको बता दें कि आगामी 28 मई को होने वाले संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जहां से माना जा रहा है कि हो सकता है इस पर कुछ नए अपडेट्स आए और यह मामला टल भी सकता है। एक PIL दाखिल की गई है और याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर दिया है। नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका में मांग की गई और कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने इसमें उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है वो बेहद गलत। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इससे एक गलत परंपरा को जन्म दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का नाम CR जया सुकिन है और पेशे से वो वकील है। जया सुकिन लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील जया सुकिन ने याचिका दाखिल करने के बाद कहा है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन यानी राज्यों की परिषद राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावहन करने का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। इतना ही नहीं, CR जया सुकिन ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन राष्ट्रपति को शिलान्यास समारोह से दूर रखा गया है, अब वो उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं। सरकार का यह फैसला किसी भी हाल में सही नहीं है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन के परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर जमकर सियासत हो रही है। तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं। इतना ही नहीं, अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा दल उद्घाटन समारोह का बायकॉट का सामूहिक ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन इसका उद्घाटन वहीं सरकार इस पर अड़ी हुई है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले इस नए भवन की काफ़ी खूबियां हैं। गुजरात की डिजाइनिंग कंपनी HCP ने इसको तैयार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री अब इसका विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं। तमिलनाडु से आए पुजारियों के हाथों सेनेगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कई मामलों में अलग है। नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा की 888 सीटें इसमें होंगी, जबकि राज्यसभा की 300 सीटें होंगी। नए संसद भवन का डिजाइनिंग गुजरात की एक कंपनी ने किया है, जिसने पहले गुजरात में गांधीनगर में बनने वाले सेंट्रल विस्टा राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।